नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज यहां एक जगह है जहां पे भाजपा कुदमुरा मंडल के बैठक हो रही से, तो वहां जो मंडल के कई सारे सदस्य हैं जेमन यहां उपस्थित हैं, जेमा से एक पूर्व गृह मंत्री अपन ननकीराम जी कंवर जी भी हैं, उपस्थित हैं। तो चला हमन सीधा सीधा उमन के इंटरव्यू लेथन, बैठ लेथन कि जो यहाँ पे जैसे बैठक होते तो का विषय से हुआ थे। सर, आप मन के स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। सर, जैसे यहाँ जो बैठक हुए है ये का विषय से हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत बैठक लेने का प्रक्रिया चलता है। ये मंडल हमारे यहाँ जिला के बाद मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, फिर बूथ, मतलब पोलिंग सेंटर तक के कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज ये मंडल का बैठक है जिसमें शक्ति केंद्र के लोग आए हैं, पदाधिकारी लोग। बूथ में भी पदाधिकारी होते हैं, बूथ को में अध्यक्ष होता है, समझ लीजिए। तो इसी तरह से शक्ति केंद्र में भी अध्यक्ष होते हैं और बैठक था। सना सना में जो जिला से प्रदेश से कार्यक्रम आता है, अभी सभी लोगों को जो कार्यक्रम दिया जाता है उसके अनुसार से हमारे महाराज जी आए हैं और अपने अग्रवाल साहब ये बैठक लेने के लिए आए हैं। चूँकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं प्राय प्राय सभी बैठकों में उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ। सर, एकर से आने वाले समय में का प्रभाव पड़ी भाजपा जो आप मन के जो टीम है ना, का प्रॉफिट मिली? देखिए, बैठक में एक तो समझाइश कार्यक्रम आता है समझाने का। जैसे किसी शक्ति केंद्र में बैठक है आज, तो कौन सा पोलिंग सेंटर में, बूथ में हम कमज़ोर हैं, उसको कैसे ठीक करें। वैसे जो शक्ति केंद्र में कमज़ोर है तो उसको कैसे ठीक करें, ये हमारे अधिकारी या नेतागण उसके संबंध में जानकारी देते हैं। सर, अब जब यहाँ जब मीटिंग चल रहा था उस समय आपने एक बात कही थी कि 3 साल में पूरा जो भारत देश है वो हिंदू देश हो जाएगा, वो कैसे होगा? ये हमारे जो साधु महात्मा है उनका भाषण था भाई, मैं नहीं बोला हूँ, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी का वर्ड है, उनके वक्तव्य कहीं कहीं दिए होंगे, वो मैं बता रहा हूँ जी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, तो ये भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं क्या? बेईमानी पर, दगाबाजी पर, झूठ बोलने पर बहुत भारी पड़ा है। और वो कैसे बता रहा हूँ ना जी आपको। देखिए, निराश्रित पेंशन में वृद्धि करेंगे, वादा किए थे, आपको याद है कि नहीं है? उसके बाद में युवकों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 2500 रुपये देंगे, वो नहीं दिए हैं। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करेंगे, 1000 देंगे, वो नहीं किए। दारू बंद करेंगे, आज घर पहुंच दारू पहुंच शुरू हो गया है ना, हर क्षेत्र में नाकाम हुआ है। और जिसको बोलते हैं ठगवा मुख्यमंत्री बोलते हैं हम, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है हैं। मैंने तो विधानसभा में कहा, क्या साले साहब भ्रष्टाचार को रोको, अभी बतला रहा था लोगों के सामने कि एक पिता अपने बच्ची के लिए त्यौहार में रोटी देने गया था, कहाँ का, रायगढ़ जिला का, मेरे क्षेत्र में आया था, सियांग क्षेत्र में, उससे पुलिस वाले 30,000 रुपये मांग रहे थे। उसी दिन एक शिकायत आ गया था कि 10,000 एक किसान से मांग रहा था, मतलब ये मेरे सामने लोगों ने कहा और मैं पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले से फोन नहीं हुआ तो CSP को बोला। इस तरह से कम 1-2 केस आते हैं मेरे पास में कि यहाँ पैसा मांग रहा है, वहाँ पैसा मांग रहा है, और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये भ्रष्टाचार में ही चला जाएगा। आप इस राज्य सरकार की बात जी, हर राज्य में गरीबों के लिए भवन बन रहा है, ठीक है जी। इस राज्य में क्या बोलते हैं, बंद कर दिया,
जी ये अभी अभी रुका हुआ है। नहीं रुका कहाँ है, बंद कर दिया, नहीं दे रहा है ना। एक भी बता दो, 3 साल में नया दिया हो। दूसरा दूसरा चावल आता है एक व्यक्ति के लिए 5 किलो, ये क्या बता दिए, 3 आदमी से ज़्यादा है तो 3 आदमी को नहीं मिलेगा, बाकी को मिलेगा। हाँ चावल भी कहीं ना कहीं कोताही है, दूसरे शब्द में कहना चाहिए बेईमानी है। तीसरा केंद्र से पैसा आ रहा है किसके लिए, नल जल योजना के लिए, घरों घर देना है, कहीं कहीं तो घर घर चला रहे हैं, कहीं कहीं बस वो एक डब्बा डाल दिए रहे हैं और वहीं से ले आओ, है ना, हर चीज़ में। दूसरा धान खरीदी में 4 किस्त में इसके पास पैसा नहीं है धान खरीदने के लिए, क्या बात करेंगे हैं। 4 किस्त में तय थे, उसके बाद 2500 रुपया देने के लिए बोला था, उसमें भी कटौती कर दिया। मालूम है कि नहीं आपको, नहीं मालूम हो तो किसान किसी किसान से पूछिए आखिरी किस्त में कितना पैसा आया है ना। किसान साल भर कमाता है और 4 किस्त में पैसा पाता है, पहले कभी भाजपा ने किया क्या है? तो ये क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसके कारण जनता रुष्ट होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन यही बात तो अपने को करना है। जो गलत हो रहा है उसको सामने लाइए पब्लिक के सामने, यही बैठक का मकसद होता है। मिनी क्या बोलते हैं आपातकाल है? कोई भी हिंदू कार्यक्रम करते हो तो परमिशन लो एसडीओ, मतलब हम अगर रामायण सार्वजनिक करवा रहे हैं नवधा भागवत तो परमिशन लेना पड़ेगा है? ये क्या कहते हैं, मतलब हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहा है जी। या किसके इशारे पे चल रही है तो ये क्या बोलते हैं, जनता के हित के लिए नहीं है सरकार, जनता के हित के लिए होता है, हैं हार्द क्या बोलते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा बनाया गया सरकार होता है, ये पब्लिक के द्वारा नहीं बनाया गया ऐसा लग रहा है, पब्लिक के लिए नहीं बनाया है ऐसा मान लो, ठीक है।